ये हमारे हाथ में है MCB टाइप चेंजर, इसे लगाना बहुत ही आसान है। ये MCB बॉक्स में आसानी से फिट हो जाता है। इसके कनेक्शन की बात करें तो नीचे हम मेन लाइन और जनरेटर लाइन देंगे, ऊपर की तरफ हम लोड रखेंगे। तो चलिए इसके कनेक्शन करते हैं। पहले वाला चेंजर जो ख़राब गया उसको निकाल लेते हैं। दोस्तों इसमें एक एक वायर हम निकालेंगे और एक एक वायर हम लगाएंगे, क्योंकि ये पुराना लगा हुआ है या स्लिप हो गया है। तो इसमें चारों वायर भी जो इनपुट में वायर लगते हैं वो दो चारों हमारे एक ही कलर में हैं, तो लगाने में दिक्कत होगी। तो हम एक एक करके एक एक वायर निकालेंगे और एक एक लगाएंगे। तो हमने एक वायर निकाल लिया है और दूसरा भी निकालेंगे, इसी तरीके से लगाते रहेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम मेन लाइन के वायर निकाल रहे हैं, मेन लाइन के कनेक्शन करेंगे और फिर उसके बाद जनरेटर के। तो आपने एक फिट कर लिया है, दूसरा भी लगा लेते हैं। ये हमने इसके नीचे के जो बराबर बराबर में पोल होते हैं वो एक लाइन होगी, और इसके ऊपर में जो बराबर बराबर के पोल होंगे वो हमारे एक लाइन होंगे। यानी नीचे दो लाइनें हमारी लगेंगी, एक जनरेटर लाइन और एक मेन लाइन। और ऊपर में से हमने पहले भी बता चुके हैं, ऊपर में हमारा लोड रहेगा। हमने ये हम जनरेटर लाइन लगा रहे हैं। नीचे हमने दोनों वायर लगा लिए हैं मेन के। अब इसके ऊपर वाले जो पोल हैं वो हमारे जनरेटर लाइन के हैं, तो जनरेटर के लाइनें हम लगा रहे हैं। एक लगा लिया हमने और ये दूसरा भी लगा रहे हैं। तो इसे भी हमने लगा लिया है, अच्छी तरह से इसको लगा लेंगे इससे कहीं लूज पड़ा ना रहे, और अच्छी तरह सभी को। अब हम इस पे लोड का कनेक्शन कर दे रहे हैं। ऊपर में हमारे दो पोल थे तो उसमें लोड रहेगा, एक तरफ न्यूट्रल और एक तरफ फेस। ये हमने उधर भी ऊपर भी कंप्लीट कर लिया है। ये अच्छी तरह से इसको टाइट कर लेंगे, कोई लूज ना रहे, नहीं स्पार्क हो जाएगा, ये भी ख़राब हो जाएगा। पुराना वाला भी अच्छा ही कंपनी का था लेकिन वो ख़राब हो गया है। तो हम इसका वीडियो इसीलिए बना रहे हैं कि आप लोगों को कुछ समझा सकेंगे। तो दोस्तों कनेक्शन हमारे कनेक्शन ओके हो गए हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को भी कुछ समझ में आ गया होगा।